हाँ भाई, भाई साहब आज का जो आपका ये ज्ञापन है, देखिए आज हम विवाहणी गए, अलग अलग यहाँ यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के बच्चे इकट्ठे होने आने का मकसद ये है कि अभी सभी यूनिवर्सिटियों के पूरे प्रदेश के अंदर 13 जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अंदर दाखिला प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का रिजल्ट अब तक नहीं आया, री के पेपर हुए थे उनको चेक नहीं किया गया और 18 तारीख इस यूनिवर्सिटी की भी एडमिशन प्रक्रिया की लास्ट है। अमडू की जा चुकी है, कुरुक्षेत्र ने अभी डेट बढ़ा दी है, 26 कर दी, रेवाड़ी यूनिवर्सिटी की जा चुकी है, सिरसा की जा चुकी है, क्या ये विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदारी लेगा बच्चों के साथ ताकि हम पीजी को कोर्सेज में दाखिला देंगे? हकीकत ही है ये कह रहे हैं कि एक वीक में हम रिजल्ट दे देंगे, आज से 5 दिन पहले 2 दिन और संगठन जब आए थे। सच्चाई है कि अभी तो बंडल बंद बंद के कॉलेजों में चेक होने के लिए जा रहे हैं जो प्रोफेसर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि फाइनल ईयर के पेपर चेक नहीं हुए तो कैसे रिजल्ट दे देंगे। यानी बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, एक साल बर्बाद किया जाएगा रिजल्ट के नाम पर, ऐसे ही स्कॉलरशिप के नाम पर। यानी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, बड़े बड़े ऐस से अपनी गाड़ियां और कुछ आसाराम विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों को यहां बिठाकर बड़े बड़ी बातें जरूर मारते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं जा रही, उसका कोई हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है। बस के नाम पे कह रहे हैं रिक्शा चलाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, आज से पहले ये विश्वविद्यालय चलते 8 साल 9 साल हो गए आज तक नहीं चलाई, रिक्शा के नाम पे कब से पैसे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का करोड़ों का बजट वापस जाने लग रहा लेकिन प्रशासन बच्चों के लिए मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, ये अड़ियल जो रवैया है इसके खिलाफ आज आए हैं और अल्टीमेट हम 23 तारीख का देखे जाए नहीं 24 तारीख को हम यूनिवर्सिटी को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन ढिलाई बरत रहा है? हाँ बिल्कुल, विनोद एस सफाई राज्य अध्यक्ष। इंटरमीडिएट के बढ़ोतरी के लिए लेके आए तो अपने एडमिशन होने वाले उनके सीट की बढ़ोतरी के लिए, पिछली बार भी हमारे जो साथी थे वो सीट की कमी की वजह से रह गए थे, उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं आता तो हमने यहाँ पे सीट